गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू रश्मि डाल ब्लॉग। कैसे हैं? सो गाइस, अभी पी रही हूँ सुबह की चाय। मम्मी पापा को दे आई चाय और मैं भी, चाय का टाइम हो गया हमारा। चाय के साथ आज ले रहे हैं जो बनी है, ये मैंने बनाई थी ना अभी होली की, नमक पारे और नमकीन काजू ये। और आज करेंगे फटाफट काम क्योंकि आज कहीं जाना है। कहाँ जाना है वो आपको आगे ब्लॉग में पता चलेगा। वैसे आपको पता चली गया होगा, हम जा रहे हैं मम्मी के मायके, तो आज का ब्लॉग वहाँ का रहेगा। उससे पहले अपना काम निपटा लेते हैं क्योंकि सुबह उठते तो जाते हैं नहीं है, है ना। और आपको पता ही है हमारी हेल्पर वगैरह है नहीं, तो वो काम भी करना है, घर के झाड़ू पोछा साफ सफाई सब करके फिर निकलेंगे। और सुबह सुबह यहाँ पे आ जाते हैं ये फेरी वेरी वाले, उनका शोर आ रहा है। तो चलिए गाइस, अभी चाय पी के करती हूँ अपना ब्लॉग कंटिन्यू और अपना काम कंटिन्यू, फिर उसका तैयार होते हैं और जाते हैं। तो सुबह सुबह लग गई मैं अपने नाश्ते में। आज बनाई है मैंने इसकी सब्जी और साथ में बनाए मैंने गोभी के पराठे, क्योंकि पापा घर पे थे, वो हमारे साथ नहीं गए, उनके लिए मैंने सब्जी बना दी। और लंच के लिए भी सब्जी जाएगी और साथ में जो सब हैं बाकी सब पराठे खा के ही जाएंगे नाश्ते में। हमारा एक ही टाइम होता है तो हम सब्जी रोटी खाते हैं या फिर पराठे खा लेते हैं, चाय पराठे, तो वही रहता है हमारा लंच और ब्रेकफास्ट। थोड़ा लेट हो जाता है 11:30 तक, और फिर हमारा टाइम होता है शाम को स्नैक्स का, मतलब चाय के साथ या तो स्नैक्स मंगा लेते हैं या बना लेती हूँ कुछ ना कुछ, तो वो भी आपके साथ शेयर करती रहती हूँ मैं। इसके बाद करी मैंने साफ़ सफ़ाई, डीवा को तैयार करा, खाना को तैयार कर, खुद भी तैयार हो गई। तो हम लोग हो गए तैयार। मेरा सूट वाइट कलर में है, सेम सूट दीदी का ग्रीन कलर में है। उस दिन मैंने ग्रीन पहना था जब खोली गए थे डीवा के मुंडन पे, और दी ने पीच पहना था, मतलब मोस्ट टाइम सेम ही सूट पहनते हैं, बस कलर डिफरेंस होता है। तो ये सूट जहाँ से लिया है वो भी आपको इंस्टा पे मिल जाएगा, उस पर लिंक। थोड़ी सी कच्ची पक्की थी। कच्ची पक्की? कच्ची पक्की कैसे ही भाई? कंकर चुभे पैरों में? नहीं, इनका गाय को चुभे तो पापा इनके कंधान पे लटके बैठे हैं, पापा इनके चुभे कंकर। बरसात में इतना दुखा रहा पैरों में, चुभ रहा बरसात में। और ये इतना आज वो रानी बना रहा है। क्या कह रहा? ऐसा होना ही नहीं चाहिए ना, होली के बाद मुंडन होना चाहिए ना, क्योंकि लोग अपनी बिटिया रानी को मंजू रानी बना देते हैं। बिटिया रानी गंजी रानी तो होती है। मैंने मैं कल आज बात कर रही रात इन्हें बता रही, मैंने कि मेरा तो आज तक ना उतरी लटूरी का ना बहुत देर तक रात का टेंशन होना है, फिर रोना सो होगा कि तुम्हारी आज तक लटूरी नहीं उतरी। क्यों? पापा कह रहे पंडित जी से पूछ लो अगर उतरती है तेरी उतरवा देंगे। जिस दिन मेरे 400K के हम सेलिब्रेशन किया था, उस दिन मैंने आपको दिखाया था मैं हॉस्पिटल गई थी, हम मिलने गए थे फूफा जी से, तो वहाँ पे उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। अब वो ठीक हैं, पहले से बेटर हैं, बट वहाँ पे मिलने नहीं देते, सो अब गए हैं घर पे सब मिलने उनसे। अब उनकी तबीयत पहले से काफ़ी बेटर है, ठीक है। दादी के पैर तो छुले तुमने? नमस्ते, मैंने पैर नहीं छुए थे। कोई बात नहीं, ऐसी ठीक है, बस ठीक है। मम्मी ने चल दी थी, शायद अभी लेट आई तो कर दी वाली, तो मैं
अभी वैसे गई तैयार होने के लिए, तुम तैयार हो जा चलते हैं। हो गया रे So, ये हमारी छोटी बुआ का घर और मम्मी का मायका। तेरे तो सब भूल गए, तेरे को तो दादू भूल गए। कहाँ जाएगी? यहाँ नहीं है वो। नहीं लग रही है तो लम्बे में आ रहे हैं। मी की ढूंढ रहे होगे ना? वो ढूंढा गए ना? आजा! दिख रहे ना तुम, यहीं से आ जाओगी तुम्हारी। बोलो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, तू भी बोल सिर्फ। राशि डेटा ब्लॉग ये बोलेगा। हाँ बोल, चुप रहे, बोलो राशि डेटा ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करो, हाँ देखते रहे इस वीडियो को। अब तू भी बोल, मुझे नहीं बोलना आता। कुछ तो आता होगा। हम पक्षी जब हम चांद में जाएंगे, हम पक्षी बन जाएंगे। ठीक है, ऐसे उड़ेंगे, ऐसे पक्षी बन जाएंगे, रैबिट बनेंगे, ऐसे कूदेंगे। और खाने में देखा लाइक एंड सब्सक्राइब करो। डू, आज कौन मिल गया? मैं ही बड़ी माँ। बड़ी तो नहीं है, छोटी माँ। छोटी माँ बेबी, क्या हो गया? काना मी की पैर छू लो बुआ के, मैं बोली बुआ। सो जब काफ़ी दिनों बाद मिलते हैं ना, तो बातचीतों में इतना टाइम चला था। हम स्कूल देख रहे थे, इनका ही स्कूल है, और जैसे ही पलट के देखा और ये पीछे खड़ा था। सो अब हम आ गए दूसरे घर, और डीवा का एज यूजल कहीं भी जाएगी वो रोएगी रोएगी, बस अपने घर के अलावा वो कहीं भी कंफर्टेबल नहीं होती है। कोई उसको ले ले, कोई ना ले, बस उसको रोना है। अर्जुन अर्जुन इट इज आमी 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 आमी।
सो यहाँ पे हमने खूब सारी रील्स फोटो बनाई, खाया पिया, बातचीत में कब टाइम चला गया पता ही नहीं चला। व्लॉग तो ऐसे ही हो जाता है जब कहीं जाते हैं ना रिलेशन में या कहीं भी, तो ध्यान नहीं रहता इतना कि व्लॉगिंग कर रहे हैं, और बातचीतों में बस ऐसे ही हो जाता है। तो अब हो गया हमारा वापस चलने का टाइम, और बच्चों का बिल्कुल मन नहीं है, उन्हें खूब मस्ती करी यहाँ पे। हाँ माइक कर लो सबसे बाय। कितने इकट्ठे कर लिया देखियो, मुंह में डाल रही है भाभी, डांस भी हो रहा है खुशी का मारे। भेंट दिए बकाया फर्ज निभाया। जाती है किसी पे भी। इमादपुर के सब्सक्राइबर चेंज कर लिया। हाँ उतर भी जा, एक घंटा तक खड़ी हुई आगन ऊपर तो भागेगी, कोई पैर रखेगी और कोई सीधे नीचे। निकी काना कहाँ है? ये देखिए हो रहे सारे हो रहे खत्ते कमजोर दुख प्रकट कर, रो थोड़ा बहुत चारो जैसे तू रो है। तुम आप ही खाना खा के चलाओ, तेरे ये वापस से चलते शुरू हो गए। ये पॉपकॉर्न खोले ना बस आई ये खोलने से महंगा है, वैसे टेस्टी है पॉपकॉर्न।
में क्या है चढ़ी सब चिप्स चिप्स एंड किए मेरे सर में दर्द होगा। खोल लकड़ी की, खोल ले ना, मतलब आ रहे नहीं कब रहते हैं यार। वो कौन मिट्टी में है पूरी इनका सही है पूरा। कहां दाल तो मंगाई मैंने, दो पूरी भंडारे में भंडार हो रहा। अच्छा लाली की लड्डू नहीं, बहुत बुरा तेल है, मैं की अनिल चाह रही पूरी में। सुबह से बन रहा होगा ना, ना गरम गरम ही होता था नहीं वो तेल, सुबह को ही चल रहा होगा। मम्मी वही में मिला रहे होंगे वे, और वो कढ़ाई में महक आ गई होगी। मैंने मैंने कहा है और पता है लो रिफाइंड पाइड है कुछ दाल लगी हुई वो लगी तो मना लेते थे भूल गई है। पहुंच गए हम घर 10 बजे। अरे अब कैसी मस्ती चल रही है, मैं रो रही भाई भाई।